बेशक अब मार्केट में क्रेटा सेल्टोस को सीधे टक्कर देने के लिए मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा मोटर्स की हाईराइडर अवेलेबल हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप बात करें मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, प्राइस लेवल पर अभी कोई बहुत बड़ा कंपटीशन मार्केट में नहीं है। और ऐसे में रेनो इंडिया, जो कि आप जानते ही हैं, प्राइस सेगमेंट में जहां पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में रेनो काइगर को लाने के बाद धमाल मचा चुकी है, और अब रेनो अपने एक नए प्रोडक्ट से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भी एक तगड़ा धमाका करने वाली है। अपने पोर्टफोलियो का विस्तार तो करेगी ही, साथ ही कस्टमर के लिए एक बेहतरीन विकल्प देने वाली है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक अफोर्डेबल गाड़ी को लाकर। और तब सच में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक रियल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है प्राइस, कंफर्ट और फीचर्स के मामले में। जो गाड़ी बेस्ट होगी, कस्टमर के लिए एक बेहतरीन विकल्प अवेलेबल कराएगी। और कंपनी अपनी इस ऑल न्यू मिड साइज की एसयूवी का टेस्टिंग स्टार्ट कर चुकी है, और कुछ महीने पहले इसे चेन्नई में स्पॉट किया गया है। इसके बाद इसे फिर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में देखा गया है। इसके अलावा चेन्नई के बाहरी इलाकों में और देश के कई इलाकों में रेनो की इस ऑल न्यू मिड साइज एसयूवी को देखा गया है, जो लुक और कंफर्ट में तो बेहतरीन होने ही वाली है, साथ ही फीचर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसके अनुसार भी ये एक बेटर चॉइस होगी। और ये कंपनी का एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों में काफ़ी सक्सेसफुल है। और ये खास तौर से मिड साइज की एसयूवी कूपे स्टाइल की होने वाली है। और कंफर्ट और फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले डायमेंशन पर जाएं तो इसकी लंबाई है 4545 mm, जो इसे इंडियन स्पेक कैप्चर से लंबी और एमजी हेक्टर या टाटा हैरियर से थोड़ा छोटा बनाता है। और इसकी चौड़ाई 1820 mm है, जो इसे आप बिल्कुल डस्टर के बराबर मान सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कूपे स्टाइल में होना, जो इसके स्टाइल को बहुत ही इम्प्रूव करता है। इसकी ऊंचाई है 1565 mm और नए जमाने के क्रॉसओवर एसयूवी की जैसी ये नज़र आती है। और इसका व्हील बेस 2721 mm है, और ये 205-208 mm AWD और FWD के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। और इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी मिलने वाला है और कई पावर ट्रेन ऑप्शंस होंगे। बात करें इस गाड़ी को मॉडल ई टेक हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड टेक पैक के साथ पेश किया जाएगा। और इसके अंदर 1.3 लीटर का पेट्रोल ऑप्शंस, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस मिलने वाला है। और रेनो इंडिया अपने पोर्टफोलियो में इस गाड़ी को ऐड करके कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस लाने वाली है। और एक लेटेस्ट और शॉर्ट न्यूज है एस्कोडा इंडिया की तरफ से। एस्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी पॉपुलर कोडियक एसयूवी की बुकिंग विंडो फिर से ओपन कर दी है, और आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। इस गाड़ी को जनवरी में पेश किया गया था, और एस्कोडा कोडियक स्टाइल, स्पोर्ट लाइन और एलेंट के तीन वेरिएंट में आती है। और एस्कोडा की इस पावरफुल गाड़ी में 2.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन है, जो इंजन की सुपर और ऑक्टोविया सेडान जैसी एस्कोडा मॉडल में भी है। यह इंजन 7 स्पीड के DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसमें 190 PS का आउटपुट है और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और नई कोडियक में 7.8 सेकंड में 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार गेन कर सकती है। फीचर्स की बात करें, इसमें 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और दरवाजों में 12 स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम मिलता है। इसमें कूलिंग और हीटिंग फंक्शंस मिलते हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं, एम्बियंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पैनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप एक पावरफुल और लग्जरी गाड़ी की तलाश में हैं तो एस्कोडा की कोडियक को देख सकते हैं। और अगर आप स्विफ्ट परचेज करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपके लिए अपडेट है कि स्विफ्ट का CNG वर्जन लॉन्च होने वाला है और इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है, और इसे आने वाले हफ्तों में ही लॉन्च किया जा रहा है। इसको आप चाहें तो ऑफिशियली बुक करा सकते हैं अपने नियरेस्ट शोरूम पर या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अलावा ऑल्टो K10 को भी लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है, तो आप इन दोनों में से जो भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं उसकी बुकिंग आप हाल फिलहाल में भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट है निशान इंडिया की तरफ से।
जो लोग बड़ी फैमिली कार की तलाश में हैं तो निशान इंडिया 7 सीटर सेगमेंट में एक कम बजट में अपनी 7 सीटर गाड़ी लॉन्च करने वाली है। बात करते हैं इसके बारे में। ये गाड़ी मैग्नाइट का ही 7 सीटर वेरिएंट होने वाला है और जैसे निशान मैग्नाइट ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च होते ही तगड़ा धमाल मचाया था अपने प्राइस और फीचर्स से, वैसे ही निशान इंडिया की ये 7 सीटर गाड़ी जो कि बिल्कुल निशान मैग्नाइट पर बेस्ड है काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट क्रिएट करने वाली है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है उसके अनुसार ये गाड़ी मैग्नाइट के रूप में काफ़ी किफ़ायती फैमिली कार के ऑप्शंस देने वाली है जो लुक और फीचर्स के मामले में अच्छी होगी और 5 सीटर वेरिएंट की तरह CMFA प्लेटफार्म पर बेस्ड होगी, तो प्राइस भी इसका काफ़ी कम होने वाला है। साथ ही सेफ्टी भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे निशान मैग्नाइट सेफ्टी में भी 4 स्टार रेटिंग लिए हुए हैं। और बात करें निशान की इस ऑल न्यू MPV के बारे में, इसमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज का पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है जो पावर के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त होगा। हालांकि इसमें 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड का ऑप्शंस भी होगा, तो दोनों ऑप्शंस कंपनी लॉन्चिंग के साथ देने वाली है जो 7 सीटर विकल्प के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस होता है। इसके इंजन पावर की बात करें तो 99 BHP तक की पावर, 140 Nm का टॉर्क देगा और इसमें 6 स्पीड के मैनुअल के साथ में CVT का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी देखने को मिलने वाला है। और 5 सीटर मैग्नाइट की तरह 7 सीटर मैग्नाइट भी लुक और फीचर्स के मामले में काफ़ी बेटर होने वाली है। और नेक्स्ट अपडेट है हुंडई मोटर्स की तरफ से। हुंडई मोटर्स मार्केट में माइक्रो SUV टाइप की गाड़ियों की सक्सेस को देखते हुए, यानी जैसे कि टाटा पंच है उनको देखते हुए हुंडई भी अपनी एक माइक्रो SUV टाइप की गाड़ी हुंडई कैस्पर को लॉन्च करने वाली है जो शानदार लुक और पावरफुल फीचर से लैस होगी। बात करते हैं इस माइक्रो SUV के बारे में, तो इसको पिछले साल ग्लोबल मार्केट में अनवील किया गया था और इसका इंडियन मार्केट में भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। दरअसल जिस तरह टाटा पंच ने मार्केट पर कब्जा किया है उसे देखते हुए कैस्पर को भी हुंडई मोटर्स जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। और इसके बारे में जो अपडेट है, ये गाड़ी 3595 mm यानी अंडर 4 मीटर में 1595 mm चौड़ाई और 1575 mm ऊंचाई के साथ में आने वाली है और इस SUV में आपको सेम लगभग वही इंजन मिलने वाला है जो कि सेंट्रो में मिलता है, 1.1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 16 NPS की पावर देता है। इसके अलावा 1.2 लीटर का एक ऑप्शन और होगा जो 82 PS की पावर जनरेट करेगा और इस माइक्रो SUV को 5 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस में पेश किया जाएगा। प्राइस रेंज के बारे में बताया जा रहा है कि इसका प्राइस रेंज अप्रोक्स पंच SUV के आसपास ही होने वाला है, यानी अंडर 6 लाख में ही इसका फर्स्ट वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट। अगर आप न्यू कार परचेज करने जा रहे हैं तो इससे आप अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस गाड़ी को परचेज करना चाहिए। और अगर आपकी भी कोई इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल क्वेरी है तो उसका कमेंट्स में लिखकर आंसर ले सकते हैं विद इन 24 आवर्स में इंडिया के इस एकमात्र हिंदी ऑटोमोबाइल चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।